हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा श्रीमाली। आज का वीडियो है स्पेशली शॉर्ट्स गर्ल्स के लिए कि कई लड़कियां ना एकदम छोटी होती है, मतलब कि उनकी हाइट छोटी होती है, जिसके कारण वो बहुत ही स्ट्रेस लेती है और कोई तो डिप्रेशन में भी चली जाती है। सो गर्ल्स, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि जिससे आपका लुक एकदम अट्रैक्टिव लगे और आपकी हाइट भी थोड़ी सी लंबी लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टिप है कि आप शॉर्ट गर्ल हो और आप अपनी हाइट को लंबी दिखाना चाहते हो तो आपको यह बात ज़रूर फॉलो करनी है कि आपको हाई हील पहननी पड़ेगी। मगर कि आपके पास सबसे आसान तरीका अपनी हाइट लंबी दिखाना यही है कि आप हाई हील पहने। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप हाई हील परचेस कर ले और जब कभी भी आप वेडिंग सीजन में या पार्टी मॉल फंक्शन में जब कभी भी जाओ तो आप हाई हील ज़रूर पहने। कई लड़कियां हाई हील पहनती भी है पर वो गलती यह कर जाती है कि जब वो कहीं अचानक बाहर जाना पड़े कि पार्टी मॉल शॉपिंग या जब कभी भी वो बाहर जाए तभी ही वो हील पहनती है, जिसके कारण वो हील के साथ कंफर्ट फील नहीं कर पाती और उनसे ज़्यादा उनकी हील अट्रैक्टिव कर जाती है। सो होता है ना आपके साथ भी ऐसा। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में जब कभी भी फ्री हो तो आप 1-2 घंटे हील के साथ प्रैक्टिस करें। मतलब कि हील के साथ आप हील पहन के आप इधर उधर घूमते रहिए कि जिससे आपको उसके साथ हील की आदत पड़ जाए, जिससे आप जब कभी भी बाहर जाओ तो आपको हील की आदत हो और आप कंफर्ट फील कर सको हील के साथ। सो तब आप से ज़्यादा आपकी हील अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। सो नेक्स्ट टिप है टाइट बॉटम। अगर आप जीन्स पहनना पसंद करते हो तो आपको अपनी जीन्स टाइट पहननी चाहिए और हाई वेस्ट होनी चाहिए वो। और मैं ज़्यादा आपको ये कहूँगी कि आपको जो भी जीन्स परचेस करो वो ब्राइट कलर के हो, मतलब जिससे आपके लेग्स बहुत ही लंबे दिखेंगे। और जो भी आप जीन्स खरीदते हो वो अपने पैरों से थोड़े शॉर्ट खरीदना, मतलब कि थोड़े से आपके पैर दिखने चाहिए कि जिससे आपका लुक बहुत ही अट्रैक्टिव आएगा। आप मेरे फोटोज़ इधर देख सकते हो, मैं इधर लगा दूँगी जिससे आपको आइडिया आए। सो नेक्स्ट टिप है सूट लेंथ। अगर आप सूट पहनना पसंद करते हो तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको जो भी सूट आप खरीदते हैं, मतलब कि परचेस करते हो, उसकी लेंथ आपको लंबी रखनी है। मतलब कि छोटे छोटे टॉप्स जो आते हैं वो आपको नहीं खरीदने, उसको आपको अवॉइड करना है क्योंकि उससे आपकी हाइट और भी छोटी लगेगी और वो एकदम ऑकवर्ड लगेगा। सो आपको वो नहीं खरीदने, आपको सूट वही खरीदने हैं जो प्लेन कलर के हैं। मतलब कि कई सूट ऐसे भी आते हैं जो अलग अलग कलर में डिवाइड होते हैं। सो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के पार्ट्स भी ऐसे अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएंगे। सो वो एकदम गंदा लगता है। तो मतलब कि आपको वो भी नहीं खरीदने, आपको प्लेन कलर में एक सूट खरीदना है और आप इसमें अनारकली या वो शरारा टाइप का जो आता है वो भी खरीद सकते हो। सो नेक्स्ट टिप है सूट डिज़ाइन। सूट डिज़ाइन में आपको यह ध्यान रखना है कि आप हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन के कपड़े ना ही खरीदें, मतलब उसको तो अवॉइड ही करें। आपको वर्टिकुलरी के कपड़े ही पहनने चाहिए। और अगर आप सूट सिलवा रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप बड़े प्रिंटेड वाले कपड़े ना ही खरीदें बल्कि छोटे प्रिंटेड वाले कपड़े खरीदें कि जिससे आपका लुक बहुत ही मस्त आएगा। और अगर आप स्लीव्स की बात करें तो आपको ज़्यादा हो सके तो स्लीवलेस ही पहनना है। पर अगर आप स्लीवलेस में कंफर्ट फील नहीं कर पाते तो आपको लंबी स्लीव्स रखनी है कि जिससे आपका लुक में भी वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, आपका लुक की बहुत मस्त लगेगा। नेक्स्ट टिप है नेक डिज़ाइन। आपको उस तरह के नेक डिज़ाइन पसंद नहीं करने जिसमें आपका जो बहुत ही शॉर्ट गला होता है या फिर वो कॉलर डिज़ाइन के गले होते हैं। मगर आपको गले चूज़ करना है तो आप जितना हो सके उतना लंबा गला रखें, मतलब कि उतना भी ज़्यादा लंबा गला नहीं, जितने में आप कंफर्ट फील कर सको उतना तो लंबा गला रखना ही चाहिए, जिससे आपके हाइट में वो फ़र्क दिखे। एंड अगर आप कई सेलिब्रिटीज़ को देखते हो तो वो वी शेप के गले ट्राई करती है, मतलब कि उनसे उनके लुक्स में काफ़ी बदलाव आता है, मतलब कि उनका लुक बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आप वी शेप्स भी ट्राई कर सकते हो, जिससे आपका भी वो लुक स्टाइल लगे, मतलब कि आपका भी लुक बहुत ही अच्छा लगे। सो आप ज़रूर ट्राई करना वी शेप के गले, एंड हो सके तो आपका गला लंबा रखना। सो नेक्स्ट टिप है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल में आपको उस तरह की हेयर स्टाइल रखनी है कि जिससे आपकी हाइट 1-2 इंच लंबी हो सके, मतलब आप हाई वेस्ट पफ बना सकते हैं या हाई बन बना सकते हैं, मतलब कि मेरी ये दोनों ही फेवरेट स्टाइल है। सो मैं दोनों ही बना देती हूँ जब कभी भी मुझे टाइम ना हो तो। एंड आपको भी ये देखना है कि आपके ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल सूट करती है, जिससे आपकी हाइट 1-2 इंच लंबी हो सके। मतलब कि मेरा तो मानना यही है कि आप हाई वेस्ट पफ बना लो या हाई बन बना लो, जिससे आप ब्यूटीफुल और एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। सो नेक्स्ट टिप है माइंड सेट, मतलब कि ये कोई टिप्स नहीं है, एक मोटिवेशनल बात है। मैं इधर आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि यार जो हम छोटे गोरे काले घने वो जो भी है वो हमें भगवान ने ही बनाया है। सो कुछ टेंशन मत लो, ये जो हमें बनाया गया है उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर कारण होता है। सो यार चिल गर्ल, एंड मैंने जो ये टिप्स दिए हैं वो ज़रूर फॉलो करना, ताकि उनसे आपके हाइट में कुछ ना कुछ, आपके लुक्स में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। एंड मेरी वीडियो में आपको जो खामी खबेरा या फिर जो कुछ भी लगा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर दीजिएगा। एंड अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।